क्रिकेट इतिहास के टॉप सेल्फिश क्रिकेटर्स जिन्होंने निजी फायदे के लिए दूसरों के रिकॉर्ड की बलि चढ़ा दी। भारत ने गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। इस मैच में सूर्य कुमार यादव के 83 रन के अलावा तिलक वर्मा 49 रन बनाकर नाबाद लौटे। तिलक के पास इस सीरीज में अपना लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा करने का मौका था, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या ने ऐसा होने नहीं दिया। तिलक वर्मा की 50 पूरी न होने देने के लिए फैंस हार्दिक को कसूरवार ठहरा रहे हैं। क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे क्रिकेटर्स हुए हैं जो मैच के दौरान सेल्फिश यानी के खुदगर्ज बने हैं। आइए क्रिकेट इतिहास की टॉप 10 सेल्फिश क्रिकेटर्स की बात करते हैं। 10वें नंबर पर है सचिन तेंदुलकर। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। वह न केवल टेस्ट और वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, बल्कि दोनों प्रारूपों में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वह भी स्वार्थी क्रिकेटरों में से एक की लिस्ट में शामिल है। सचिन का सेल्फिश वाला रूप 2012 एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में देखने को मिला था। सचिन उस समय अपने 100वें इंटरनेशनल शतक बनाने को लेकर दबाव में थे और इसे हासिल करने के लिए उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 147 गेंदों में 114 रन बनाए। दाएं हाथ के बल्लेबाज की इस धीमी पारी की वजह से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। 9वें नंबर पर है राहुल द्रविड़। 2004 में भारतीय पाकिस्तान दौरे पर गई थी। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में मुल्तान में भारत ने दूसरे दिन तक 5 विकेट पर 675 रन का स्कोर बना लिया था। सचिन तेंदुलकर 194 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और वह अपने दोहरे शतक के करीब थे, लेकिन तभी कप्तान राहुल द्रविड़ ने पारी घोषित करने का घोषणा कर दी। द्रविड़ के इस फैसले की काफी आलोचना हुई थी और उन्हें सेल्फिश क्रिकेटर कहा जाने लगा था। भारत ने इस मैच को पारी और 52 रन से जीता था। 8वें स्थान पर है ब्रेन लारा। ब्रेन लारा दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक रह चुके हैं। त्रिनिदाद के किंग क्रिकेट के मैदान पर शेन वार्न, मुथैया मुरलीधरन और वसीम अकरम जैसे खिलाड़ियों की गेंदों को आसानी से खेलते थे। उनका 400 का स्कोर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक है, जो 2004 में एंटीगा में बना था। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि यह ऐतिहासिक पारी क्रिकेट इतिहास में सबसे सेल्फिश पारियों में एक थी। लारा ने एक पारी में 13 घंटे तक मैदान पर खेला, जिसमें उन्होंने 582 गेंदों का सामना किया और 43 चौके तथा 4 छक्के लगाए। उनकी इस पारी की इसलिए आलोचना हो रही थी क्योंकि वेस्टइंडीज के पास पहले 3 टेस्ट मैचों में मिली हार के इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज करने का मौका था। उन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम लिखा, हालांकि मैच ड्रॉ रहा। वह निश्चित रूप से विश्व क्रिकेट इतिहास के सबसे बेकार क्रिकेटरों में से एक है। 7वें नंबर पर है एमएस धोनी। धोनी उन क्रिकेटरों में से एक है जिनके जितने चाहने वाले हैं उतने ही नफरत करने वाले भी। एक कप्तान या एक बल्लेबाज के रूप में उनके करियर के दौरान भी कुछ विवादास्पद फैसले हुए। 2013 में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान, जब कीवी टीम दूसरी पारी में 5 विकेट गंवा चुकी थी और सीरीज हारने की कगार पर थी, तब धोनी बहुत ही डिफेंसिव फील्डिंग लगाई जिसमें एक भी स्लिप शामिल नहीं थी। इसके चलते ब्रैंडन मैकुलम को क्रीज पर जमने का पर्याप्त समय मिल गया और उन्होंने 13 शतक जड़कर मैच ड्रॉ करा दिया। धोनी की बल्ले से भी कई पारियां ऐसी थीं जो वनडे क्रिकेट के हिसाब से थोड़ी धीमी थीं, उनमें 2019 विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई एक पारी शामिल है। 6वें नंबर पर है सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर 16 साल तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के बाद 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे। गावस्कर ने अपने 101 वनडे करियर के दौरान एक शर्मनाक पारी खेली जिसे फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। 1975 विश्व कप में लॉर्ड्स में भारत को 60 ओवरों में 335 रनों का पीछा करना था। एक सलामी बल्लेबाज के रूप में गावस्कर ने 174 गेंदों में केवल 36 रन बनाए। भारत उस मैच को 202 रनों के बड़े अंतर से हार गया। 5वें नंबर पर है रिचर्ड हेडली। न्यूजीलैंड क्रिकेट के दिग्गज सर रिचर्ड हेडली के करियर के दौरान भी कुछ सेल्फिश पारी देखने को मिली। उनके बारे में कहा जाता है कि वह एक जिद्दी कप्तान भी थे और मुश्किल से ही किसी की बात सुनते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी उस पुरस्कार राशि को साझा नहीं किया जो उन्हें टूर्नामेंट के विजेता खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए मिलती थी, जिसे हमेशा टीम के साथियों के बीच साझा किया जाता था। 4वें नंबर पर है जेफ्री बॉयकॉट। इंग्लैंड के जेफ्री बॉयकॉट अपने समय के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक रह चुके हैं, लेकिन वह हमेशा विवादों में रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में उन्होंने जानबूझकर इयान बॉथम को रन आउट करवा दिया। इसके बाद बॉथम ने बॉयकॉट को गालियां भी दी। 3रे स्थान पर है स्टीव वॉग। स्टीव वॉग एक आक्रामक कप्तान थे।
उन पर भी कई बार टीम के लिए न खेलने और निजी रिकॉर्ड के लिए खेलने का आरोप लगा। उन्होंने अपने औसत को बेहतर करने के लिए नॉट आउट की संख्या बढ़ाने की कोशिश की, जिससे टेलेंडिस के विकेट खतरे में पड़ गए। इयान चैपल ने तो एक बार यहां तक कह दिया था कि स्टीव वो इतने स्वार्थी कप्तान थे कि अधिकांश क्रिकेटरों से उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं निकलवा सके। बाकी तीन क्रिकेटर के बारे में अगले वीडियो में चर्चा होगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।